नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब भी लोग बढ़िया होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। वुमेन्स एशिया कप का मैच नंबर 5, जी हां, इंडियन वुमेन्स वर्सेस यूएई वुमेन्स। इंडिया अपना पहला मैच है जो कि पाकिस्तान वुमेन्स के साथ जीत के आ रही है बहुत अच्छे मार्जिन से, और यूएई अपना जो पहला मैच है वो नेपाल के साथ, नेपाल वुमेन्स के साथ हार के आ रही है और नेपाल ने बहुत अच्छा खेला था। अब देखिए, दोनों टीमों की बात करते हैं। आप इक्वली लेके नहीं जा सकते हो क्योंकि यूएई की टीम जिसको नेपाल हरा सकती है लेकिन इंडियन टीम को तो नहीं हरा सकती। तो थोड़ा सा जो मैचअप है वो फेवरेट मेरे हिसाब से टोटली इंडिया की टीम रहेगी। अब इंडिया के फेवरेटिज्म को देखते हुए फिर आपको अपनी फैंटेसी की टीम बनानी है। इंडिया पहले बैटिंग करेगी, आपको कैसे टीम बनानी है। इंडिया पहले बॉलिंग करेगी, आपको कैसे टीम बनानी है। दोनों कंडीशंस में आपके सीवीसी कौन हो सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आगे आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, 15 से 16 मिनट का वीडियो होगा, बिल्कुल स्किप मत करना। वीडियो को लाइक करो, यहीं से जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर जो भी लोग चाह रहे हैं कि रेगुलर वीडियो आए, प्लीज लाइक बटन पे क्लिक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाले वीडियोस आप सबसे पहले देख पाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं मैच नंबर 5 को लेके। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका जुड़ने का एक भी पैसा नहीं लगेगा। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के बहुत सारे बेनिफिट है, लाइक दिन में अगर 2-3 मैचेस चल रहे हैं, अगर सबके वीडियो नहीं बन पाते हैं तो उनकी भी टीम आपको फ्री में मिलेगी कुछ इस तरीके से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ सारे लोग जुड़ जाओ। सबसे पहले वेन्यू को लेकर बात करते हैं, रांगिरी डेम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम डेम्बुला में मैच खेला जाएगा। डेम्बुला की जो विकेट मैंने देखी, जहां तक ये एलपीएल के मैचेस हुए, सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग है जो कि डेम्बुला की विकेट पे देखने को मिली। डेम्बुला पे सभी प्लेयर्स ने रन्स किए, लेकिन अभी देखो जब अच्छे प्लेयर आते हैं, देखिए डेम्बुला की जो विकेट है, अभी तक अगर आप एक अच्छे प्लेयर है तो आप रन्स कर रहे हैं। पाकिस्तान की टीम 100 रन से पहले ऑल आउट हुई थी इंडिया वुमेन्स के अगेंस्ट, यूएई ने भी इतने ही किए थे, और कल के मैच की भी बात करते तो बांग्लादेश वुमेन्स की टीम 111 रन ही बना पाई। तो चीजें वैसी ही है ना कि अगर यूएई पहले बैटिंग करेगी 80-90 रन पे भी ऑल आउट हो सकती है, इंडियन वुमेन्स पहले बैटिंग करेगी 150 प्लस भी जा सकता है, 150 तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूं, मतलब 150 से ऊपर भी स्कोरिंग हो सकती है। उतनी खराब विकेट नहीं है, लेकिन शायद आपको एक स्लो साइड देखने को मिलेगी, तो स्पिनर्स थोड़ा सा ज्यादा गेम में रहेंगे कंपैरिजन टू आपके पास अगर कोई सीमर्स है जिसका स्विंग होता है, उससे बेटर मुझे लगता है फिर यहां पे स्पिनर्स करेंगे। 7 मैच खेले गए, 2 बैटिंग फर्स्ट ने, 5 चार्जिंग ने, स्कोरिंग पैटर्न देखना, 7 के 7 मैच में 150 से नीचे की स्कोरिंग हुई है, बैलेंस्ड पिच है, 131 का यहां का एवरेज स्कोर है। रिसेंट के मैचेस, ये कल का मैच है, बांग्लादेश वुमेन ने 111 किए और श्रीलंकन वुमेन ने 3 विकेट खोकर टारगेट को चेज कर दिया। सेम आप ऐसा मान सकते हो पाकिस्तान वुमेन्स वर्सेस इंडियन वुमेन्स वाला मैच हो गया, पेसर्स को 2, स्पिनर्स को लेकिन 8। यहां थाईलैंड वुमेन ने 133 कर दिए, यहां पे जो मलेशिया वुमेन है वो 111 ही बना पाई, पेसर्स को 4, स्पिनर्स को अगेन 8। पाकिस्तान वुमेन ने 108 किए थे 10 विकेट पर, इंडियन वुमेन ने 109 3 विकेट पर, पेसर्स को 4 और स्पिनर्स को अगेन 8 विकेट। यहां पे यूएई वुमेन ने 115 किए 8 विकेट पर, नेपाल वुमेन्स का देखोगे 118 बना दिए, 3 पेसर्स को, 6 विकेट स्पिनर्स को, यानी कि जो रन्स दिखे ना 110-15-20 के समथिंग ही दिखे, 150 तक तो गया ही नहीं है, आसपास भी नहीं गया। एक ये थाईलैंड वुमेन ने जरूर 133 किए थे, बाकी अगर आप देखोगे विकेट जा रहे हैं, थोड़ा बहुत मैक्सिमम ऑलराउंडर्स को लीजिए, मैक्सिमम आपके लिए यहां पे ऑलराउंडर्स है जो कि काफी अच्छा कर सकते हैं, समझ रहे हो। बाकी विकेट का मैं आपको बता दूं, पेसर्स को 13 विकेट मिली अभी तक, फर्स्ट में 12, सेकंड में, यानी कि सेकंड इनिंग्स में पेसर्स को विकेट नहीं मिला। स्पिनर्स को 30 विकेट मिली है, फर्स्ट में 15 और सेकंड में भी 15, यानी कि स्पिनर्स के लिए इक्वली जा रहा है। पावर प्ले की बात करते हैं, ये देखिए 18 पे 4, 32 पे 1, 44 पे 2, 36 पे 0, 37 पे 2, 57 पे 0, ये इंडिया वुमेन्स वाला मैच है।
38 पे 3, 39 पे 1, 37 पे 1, 47 पे 2, 37 पे 0, 52 पे 2। अब आज अरैन में एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि कम से कम जो यूएई वुमेन है उनके पावर प्ले में 2 से 3 विकेट तो जाने चाहिए। तो आप जब ग्रैंडली की टीम बनाएंगे ना, तो वहां पे एक चीज ये डाल सकते हो ना, देखिए स्मृति मंदारा है, सैफ अली वर्मा है, तो आप चेजिंग के दौरान को, चेजिंग जब करे इंडियन वुमेन्स की टीम, तो वहां पे क्या करना, एक टीम ऐसी बनाना केवल दोनों को रखना, समझ रहे हो, एक टीम ऐसी बनाना जहां पे आप सैफ अली को ड्रॉप कर दो और जो वन डाउन की बैट्समैन है उसको रख लो, बाकी सारे उसके गेंदबाज आ जाएंगे। ये चीज ट्राई करके देखना इसके हिसाब से। और जब आप यूएई के थ्रू जाते हो तो वहां पे आप देखना कि 2 से 3 विकेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वहां पे ड्रॉप करके चलो। ज्यादा ज्यादा मुझे लगता है बैट्समैन को आपको ड्रॉप करना ही चाहिए, क्योंकि ड्रीम टीम में शायद उतना उनका नाम नहीं आएगा। एक मैच खेला है जो कि है वो इंडिया ने जीता है, ये जो एक मैच खेला गया था साइलेंट बांग्लादेश में खेला गया था 4 अक्टूबर 2022 को, बहुत इजीली इंडिया वुमेन्स ने जीत लिया था, ये 178 किए थे 5 विकेट पर। ये जो साइलहेट का ये भी ग्राउंड है ना बांग्लादेश का, ये काफी स्लो ग्राउंड है, यहां पे भी रन बनते नहीं है, लेकिन यूएई के सामने इंडियन वुमेन्स ने 178 कर दिए, समझ रहे हो। तो ध्यान में रखना, पहले जब बैटिंग करे इंडियन वुमेन्स की टीम तो फिर आपके पास वो प्लेयर्स होने चाहिए जिनको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ड्रीम टीम में आ सकते हैं। दयालिन हेमलता वहां पे फ्लोप थी, जमाइमा रोड्रिगस के 75 आए थे, रिचा घोष फ्लोप थी, दीप्ति शर्मा 64+0, पूजा वस्त्राकर 13+0। यूएई वुमेन्स का आप देखोगे ऐसा हो जाए 4+1, कविसा एगोर 30 थी, खुशी शर्मा 29+0, सुरेश कोटी 1, वैष्णव महेश को 0 विकेट मिला था, यानी कि यहाँ पे केवल खुशी शर्मा के कुछ परफॉर्म किया था, बाकी सारा फ्लॉप था। बात करते हैं इंडियन वुमेन्स की, सैफ अली वर्मा, स्मृति मंदना ये ओपन करती है, दयालिन हेमलता, हरमनप्रीत कौर, जमाइमा रोड्रिगस, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्राकर, श्रियंका पाटिल, रेणुका सिंह ठाकुर और राधा यादव, ये 11 प्लेयर्स आपको देखने को मिलेगी जहां पे डेथ में पावर प्ले में आपको पता है पूजा वस्त्राकर डालती है, रेणुका सिंह डालती है, श्रियंका पाटिल डालती है, डेथ में आपको पता है दीप्ति भी आती है, श्रियंका पाटिल भी आती है, मेनली आपको पूजा वस्त्राकर वहां पे पेस में दिखेगी। लास्ट मैच में केवल इन्हीं ने 5 ओवर डाले हैं, बाकी ने किसी ने भी ओवर नहीं डाले। ऋचा घोष की बात करते हैं, अगर चेज करती है इंडियन टीम, बैटिंग आना मुश्किल है, एवरेज ठीक है, हेड टू हेड 1 मैच में 0, वेन्यू पे 2 में 11, T20 करियर 26 का एवरेज है, लेकिन आप दोनों कंडीशंस में ले सकते हो, क्योंकि यूएई के ना वो 5 से 6 मान लीजिए 8-9 विकेट जाने के चांसेस रहेंगे। अगर 8-9 विकेट जा रही है तो अगर पीछे 2-3 कैच, 1 स्टंप हो गया ना भाई, तो फिर यूएई की विकेट कीपिंग में आपको शायद उतने पॉइंट्स देना वो थोड़ा सा इजी ना हो, तो वो भी एक चीज ट्राई करना, ये मैं आपको बता रहा हूं कि क्योंकि फैंटेसी में आप 5-5, 2-2 पॉइंट से हार जाते हैं, तो वो चीज ध्यान में रखना। स्मृति मंदाना लास्ट मैच बहुत अच्छा था और रिसेंट में बहुत अच्छा किया है स्मृति मंदाना ने, 1 मैच खेली थी, बैटिंग नहीं आई थी, वेन्यू 4 मैच में 26 का एवरेज, T20 करियर 27 का, ऑफकोर्स लेके जाइए सैफ अली को लेके जाइए, एवरेज रिसेंट परफॉर्मेंस ठीक है, हेड टू हेड निकली, वेन्यू पे 23 का एवरेज है, T20 करियर 23 का एवरेज है। जमाइमा रोड्रिगस फर्स्ट बैटिंग में लेना, चेजिंग के दौरान बिल्कुल मत लेना, परफॉर्मेंस ठीक है, एवरेज है, हेड टू हेड 1 मैच में 75 है, वेन्यू 4 में 39, T20 करियर 95 में 29। हरमनप्रीत कौर फर्स्ट बैटिंग में लेना, अदरवाइज मत लेना, रिसेंट परफॉर्म एवरेज है, हेड टू हेड नहीं, वेन्यू पे 4 में 97, T20 करियर 169 में 27 का एवरेज है। उसके अलावा दयालिन हेमलता, ये वन डाउन की बैट्समैन है, हालांकि लास्ट मैच में शायद इन्होंने वन डाउन बैटिंग नहीं की थी, बट ये वन डाउन की बैट्समैन है, और वन डाउन की बैट्समैन को आप ऑफकोर्स ट्राई कर सकते हो, 1 विकेट तो चेजिंग के दौरान भी जा सकती है, नंबर्स ठीक है, बहुत अटैकिंग खेलती है, बड़ी बड़ी बाउंड्रीज करती है, फर्स्ट बैटिंग में इंपॉर्टेंट रहेगी, 1 मैच में 2 रन है, हेड टू हेड वेन्यू पे 1 में 14, T20 करियर 20 में 15 का है। दीप्ति शर्मा ऑफकोर्स आप लेके जाएंगे, बहुत अच्छा करती है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों है, 1 मैच में 64 रन है, हेड टू हेड वेन्यू पे 4 में 22 का एवरेज, 6 विकेट, T20 112 में 23 का एवरेज, 121 विकेट। वस्त्राकर को मैं लेके जाऊंगा, रिसेंट में बहुत अच्छा कर रही है, हेड टू हेड 1 में 0 विकेट, वेन्यू पे 4 में 4, ओवरऑल 66 में 53 विकेट पूजा वस्त्राकर के रहते हैं। श्रियंका पाटिल मैं लेके जाऊंगा,
मिनिमम एक विकेट निकाल लेती है, हेड टू हेड खेली नहीं, वेन्यू पे एक में दो, टी20 करियर 11 में 14। रेणुका सिंह ठाकुर लास्ट मैच में 2 विकेट पाकिस्तान के अगेंस्ट, परफॉर्म आप देखोगे एवरेज है, हेड टू हेड 1 में 0, वेन्यू 4 में 4, टी20 करियर 42 में 83। राधा यादव आपके लिए गेम चेंजर, कैप्टन भी बन सकती है, हालांकि लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला लेकिन निकालती है तो यहां तक भी चली जाती है, हेड टू हेड नहीं, वेन्यू पे 4 में 4, ओवरऑल 75 में 84। तो ध्यान में रखना ये आपके लिए डिफरेंशियल कैप्टन भी बन सकती है राधा यादव। 500 ये 4-4 ओवर डालती है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया रेणुका पूजा राधा, डेथ में श्रियंका दीप्ति और रेणुका राधा, राधा भी आती है बैंक से। नहीं लग रहा मुझे अरुंधति रेड्डी आ सकती है लेकिन जगह नहीं बन रही है, समझ रहे हो, जगह नहीं बन रही है। यूएई वुमेन्स की प्लेइंग के लिए उनके बारे में बात करते हैं, ऐसा ओझा, तीर्था सतीश ये लेफ्ट हैंडी है, ये राइट हैंड है, रिनीथा रजित, समायरा धरणीधर का, कैविस एगोज, खुशी शर्मा, हिना हरचंदानी, रितिका रजित, वैष्णवी महेश, लावण्या केन, इंदुजा नंदा कुमार, ये आपको 11 प्लेयर्स है जो कि यूएई की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। अब चलिए विकेट कीपिंग में आपको सबसे पहले तीर्था सतीश का नाम मिलेगा। तीर्था सतीश के हालांकि देखिए 36 है, 44 है, 22 है, 26 है, ठीक ठाक है और चांसेस ज्यादा इसी को लेने के बनते हैं, हालांकि फर्स्ट बैटिंग में तो ड्रॉप कर सकते हो लेकिन मुझे लगता है उतना इजी होगा नहीं इसके लिए। ऋचा घोष अगर 2-3 कैच स्टम्प कर लेती है तो वो फिर ध्यान में रखना, हेड टू हेड 1 में 1, वेन्यू पे 1 में 9, टी20 करियर 28 का एवरेज है। बैटिंग सेक्शन में आते हैं, रजित एकदम खराब एवरेज है, हेड टू हेड कुछ नहीं, वेन्यू पे 1 में 6, टी20 करियर 8 का एवरेज, सजेस्ट नहीं करूंगा। लावण्या का भी देखोगे परफॉर्म देखिए आप, एकदम खराब है, हेड टू हेड खेल नहीं, वेन्यू पे 1 में 1, टी20 करियर 34 में 11 विकेट रहती है। बाकी ऐसा ओझा 10+0, 66+2, 29+1, तो ये ठीक है, ऐसा ओझा ने ठीक किया है, आप नंबर देखोगे तो वो एबिलिटी है कि आपको पॉइंट्स दे सकती है। हेड टू हेड 1 में 4 का रन है और 1 विकेट है, वेन्यू पे 1 में 10 का एवरेज, 0 विकेट, टी20 करियर 80 मैच में 30 का एवरेज और 56 विकेट है, तो ध्यान में रखना ऐसा ओझा का। बाकी कैविसा का देखोगे तो 22+3 लास्ट मैच में, 16+1, 17+0, तो ये भी ठीक कर रही है, हेड टू हेड 1 में 30, वेन्यू पे 1 में 3 विकेट, 22 का एवरेज, टी20 करियर 80 में 35 विकेट है। खुशी शर्मा का भी आप देखोगे ठीक ठाक परफॉर्म है लेकिन लास्ट मैच में ओवर्स नहीं डाले थे, केवल 1 ही ओवर डाला था इंडिया के अगेंस्ट, 1 मैच में 29 रन, वेन्यू पे 1 में 36, टी20 करियर 66 में 11। हिना हरचंदानी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं है, हेड टू हेड नहीं, वेन्यू पे 1 में 9, 0 विकेट है, टी20 करियर 17 में 17 विकेट और 10 का एवरेज रहता है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे समायरा का भी उतना खास परफॉर्म रिसेंट में है नहीं, हालांकि 2 मैच में यहाँ पे 4 और 3 विकेट है, इंडिया के अगेंस्ट है 1 मैच 0, वेन्यू 1 में 0, टी20 करियर 54 में 40। देखिए इंडियन टीम अगर पहले बैटिंग करे ना तो 2-3 ऑलराउंडर उठा सकते हो जो अगर 1-1 विकेट भी निकाल लेती है और 15-15 रन भी कर जाएगी ना तो भी फिर चांसेस रहेंगे उनके ग्रैंड टीम में आने के। रितिका रजित का आप देखोगे 6-1, 0 विकेट, हेड टू हेड खेली नहीं, वेन्यू 1 में 6, टी20 करियर 7 में 0 विकेट, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। वैष्णवी महेश ठीक ठाक है, 2 विकेट भी आ जाती है, हेड टू हेड 1 में 0, वेन्यू पे 1 में 0 विकेट, 69 मैच में 82 विकेट है, फर्स्ट बॉलिंग में ट्राई करना। इंदुजा को मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि नंबर्स खराब है, हेड टू हेड खेलने वेन्यू पे 1 में 0, टी20 करियर 47 में 25। तो यहां से मैं आपको केवल एक तो समायरा धरणीधर का है और एक वैष्णवी महेश है, ये प्लेयर टीम यूएई की है लेकिन आपको प्लेयर्स है जो कि इंडियंस के ही दिखेंगे। अब यहां पे देख लेना, समायरा ने 2 ओवर डाले, बहुत बॉलिंग ऑप्शन है, खुशी ने 1 ही डाला, केविशा एगोज ने आप देखोगे 4 ओवर डाले, उसके अलावा वैष्णवी महेश ने 3 डाले, ऐसा ओझा ने 2 ओवर डाले, समझे, स्टार्टिंग में समायरा, खुशी और एगोज है, डेथ में एगोज, ऐसा और वैष्णवी महेश है। बाकी यहां से मुझे कोई नहीं लग रहा, प्लेयर्स बैटल आपको कुछ भी दिखेगा नहीं क्योंकि दोनों टीमों ने 1 ही मैच खेला और उस टाइम भी कुछ प्लेयर्स खेल नहीं रही थी, केवल 1 ही मैचअप है खुशी शर्मा का जिसको दयालिन हेमलता ने आउट किया है। चलिए अब टीम की तरफ चलते हैं, सतीश को मैंने रखा है लेकिन आप यहां पे ऋचा घोष को रख सकते हो, स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, दयालिन हेमलता, दीप्ति शर्मा कैप्टन, यहां पे आप देखोगे ओझा है, यहां से खुशी कुमारी एगोज है जो बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करती है, वस्त्राकर वाइस कैप्टन, रेणुका सिंह, राधा यादव, श्रियंका पाटिल। अब ध्यान में रखना अगर इंडियन वुमेन्स की टीम पहले बैटिंग करे आपको ट्राई करना पड़ेगा किसको, आपको रॉड्रिगस को लेना है, आपको
हरमनप्रीत कौर को लेना है, उसमें अगर आप चाहो तो या तो इन दोनों को ड्रॉप कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक को इसको ड्रॉप कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता दूं सॉरी यहां पे ओझा को, और एक ड्रॉप कर सकते हो दयालीन हेमलता को, अगर इंडियन वुमेन्स की टीम पहले बैटिंग करती है। समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से कर सकते हो। बाकी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहां पे अपडेट आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।